तो आज हमारा सवाल है, क्या कब बनेगा अब राम मंदिर? क्या एकमत हो पाएंगे सभी पक्ष? बयानों से कब बाज आएंगे बयानवीर? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे अपने इस स्पेशल शो में। आज ये बहस क्यों, सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार वजह क्या है। साक्षी महाराज जो हैं वो बयान देते हैं, हालांकि निजी मत उन्होंने बताया कि ये मेरा निजी मत है, लेकिन दिसंबर से निर्माण जो है शुरू हो जाएगा ऐसा कहना, और वो भी ऐसे वक्त में जब सुप्रीम अदालत में सुनवाई चल रही है, ये कहां तक जायज है, कहां तक सही है। ये बयानवीर जब जब बयान देते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया मोड़ आ जाता है। आज जिस तरह से मुस्लिम पक्ष के वकील ने यू टर्न लिया, तो आज ये बहस लाजमी हो जाती है कि अयोध्या विवाद मामले में लगातार यू टर्न देखने को मिला है। मध्यस्थता की बात सामने आई, मध्यस्थता के लिए पैनल गठित की गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही होती है तो उस वक्त फिर से एक बार ये मुद्दा उठ जाता है कि मध्यस्थता से इस मामले को सुलझाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर चाहे मध्यस्थता पैनल तो पैरेलल में ये सुनवाई चल सकती है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं रोकेंगे। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो क्यों इस तरह की बयानबाजी की जाती है जो कहीं ना कहीं मामले को और उलझाता है। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। शालिनी, नेहा शालिनी दुआ बीजेपी की प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ अविनाश कुमार हमारे मैनेजिंग एडिटर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सभी गेस्ट का स्वागत है। और सबसे पहले नेहा जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि साक्षी महाराज ने आज कुछ ऐसा कह दिया है, हालांकि निजी मत बताया है, लेकिन क्यों इस तरह के बयानबाजी की जा रही है, वो भी ऐसे निर्णायक मोड़ में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। देखिए, जैसा आप खुद ही बोल रही हैं कि उन्होंने इसे निजी बयान बताया है, अब हमारा ये मत है कि प्रधानमंत्री जी या भाजपा की तरफ से ये बयान नहीं दिया गया, लेकिन क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, तो साक्षी महाराज खुद एक हिंदू हैं, तो कई बार वो सेंटिमेंट जो होते हैं वो बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, जो निकल आते हैं, जिसे उन्होंने आपको क्लियर भी कर दिया कि हमारा निजी बयान है, हमें पार्टी की तरफ से बयान नहीं दिया। पार्टी को पूरा विश्वास है, आज भी और आगे भी रहेगा, और पहले भी था, कि बहुत जल्दी राम मंदिर बनेगा, लेकिन सर्वसम्मति से, मीन्स हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, अपने संविधान पे पूरा विश्वास है कि संविधान जो है वो हमारी आस्था के साथ साथ, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बता दिया कि वहां पर राम के होने के सबूत दे प्रमाण मिले हैं जी। बिल्कुल, जब ये प्रमाण मिले हैं, लेकिन जल्दबाजी क्यों? नेहा जी, सवाल ये उठ रहा है कि नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण दे रहे होते हैं तो उन्हें वो कहना पड़ता है कि बयानवीर बयान देने से बचे, विश्वास करे सुप्रीम कोर्ट पर, उसके बावजूद साक्षी महाराज निजी मत बताकर आखिर क्या जरूरत थी इस बात पर जिक्र छेड़ने की और ये कहने की कि दिसंबर में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, मतलब पहले से उन्हें फैसला पता है? नहीं, ये अभी भी मैं आपको यही कह रही हूँ कि फैसला नहीं, ये उनका निजी मत भी है, और कई बार ऐसी बयानबाजियां हर तरफ से ही आती हैं, तो हम किस किस का मुंह बंद कर सकते हैं? सबके मुंह तो बंद नहीं कर सकते, मतलब आप अपने प्रधानमंत्री, पार्टी आप अपने प्रधानमंत्री की बात को भी नहीं, अवहेलना की है उसके लिए। प्रधानमंत्री जी ने खुद ये रिक्वेस्ट सबसे की है कि कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले 10 बार सोचें, और हम संविधान में विश्वास करते हैं, जो संविधान नेहा जी आपकी वो ये बातें नेहा जी आपकी ये बातें वही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, संविधान में सभी को विश्वास होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में सभी को विश्वास होना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की बयानबाजी आती है ना तो कहीं ना कहीं फैसले पे असर पड़ता है। खुद जज कहते हैं कई बार कि इस तरह की बयानबाजी ना दी जाए, मीडिया ट्रायल ना हो, उसके बावजूद साक्षी महाराज जैसे नेता इस तरह की बात करते हैं तो ताज्जुब होता है कि क्या प्रधानमंत्री की भी नहीं चलती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रधानमंत्री जी की चलती है, ये उनकी तभी निजी भावना थी जिसे वो रोक नहीं पाए, और उसके लिए मैं उन्हें अब यही कह, हम कह सकते हैं कि अपनी भावनाओं को कहीं ना कहीं नियंत्रण रखे, हर कोई भाजपा का जो नेता है वो अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखे, क्योंकि सभी चाहते हैं यहाँ पर राम मंदिर
मंदिर हो, राम का अस्तित्व दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान की पहचान राम से ही है। हम जब बाहर भी किसी देश में जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपका जो फेस्टिवल है, जैसे वहां क्रिसमस है तो आप तो दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली किसका प्रतीक है? दिवाली हमारे श्री राम से का प्रतीक है। तो ये जो है ये परंपरा है, अब हमारी परंपराओं पे जो थोड़ी सी ठेस, जो इतना ये लंबा चला गया, आप देखिए कि कब से ये केस चल रहा है, हो गया है मैडम। तो अब बताइए जब इतना टाइम हो गया तो लोगों के कहीं ना कहीं इन्हीं भावनाओं पर अगर नेता अंकुश नहीं लगाएंगे तो आम जनता का क्या होगा? संदीप त्रिपाठी, और लगाएंगे भी, नहीं लगाएंगे तो फिर उन्हें लगाना चाहिए, कोई समर्थन नहीं। नेहा जी मानती है ना लगाना चाहिए था, लेकिन जबान फिसल गई, शायद यही कहेंगी, या निजी मत था, अब ये कह के ही पल्ला झाड़ा जा सकता है। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ कांग्रेस के लीडर जुड़े हुए हैं। संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? नेहा जी बता रही है कि निजी मत था, उन्होंने पहले ही कह दिया है। पहली बात तो R9 को जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप जो है ऐसे ही जनता की आवाज को बुलंदियों के साथ उठाते रहेंगे। दूसरी बात, अभी हम शाली दुआ जी मेरी बहन जो कह रही थी कि साक्षी महाराज कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है कि रोड छाप आदमी है और जो बोल दिया सो बोल दिया, वो पार्टी के सांसद है और वरिष्ठ नेता है। अगर नेहा जी और उनकी पार्टी उनसे जो है इत्तफाक नहीं रखती है तो उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करेगी? शालिनी जी से मेरा सवाल है। और दूसरी बात, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई, उन्होंने देश की भावनाओं के साथ नहीं खेला, सिर्फ यही कहा है जो उनका बयान है उसके लिए हमें नहीं लगता कि उनपे कोई एक्शन लेना चाहिए, वो एक भावनाएं थी जो निकल के आई है सामने। अरे बात सुन लीजिए, बीजेपी वालों की यही समस्या है कि सुनना चाहते नहीं है। चलिए संदीप जी बोलिए, हम बैठे बहन। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है अगर आप उनसे इत्तफाक नहीं रखती हैं, उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाके बोला है, तो क्या मोदी जी अमित शाह उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? उनके निरंतर इसी तरह के उलझलूल बयान आते रहते हैं, हम तो उन्हें जो है सीरियसली नहीं लेते हैं। अगर आप जो है आपके पार्टी के सांसद हैं, आपने उन्हें दोबारा, लेकिन आपके पार्टी के नेता भी तो बयानबाजी करते हैं सर, उनके लिए क्या कहिएगा? वो दे रहे हैं। अरे संदीप जी सुन लीजिए, कई नेता कांग्रेस पार्टी के भी हैं, कई नेता कांग्रेस पार्टी के भी हैं, और ये जो मुद्दा है राम जन्मभूमि का, ये कोई आज का मुद्दा नहीं है सर, 150 साल से चला आ रहा है, और मालूम हो कि कांग्रेस के शासनकाल में भी क्या क्या हुआ। आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर जी को निलंबित किया गया, शशि थरूर पर क्या कार्रवाई हुई? श्वेता जी बड़ी सर, शशि थरूर पर क्या कार्रवाई हुई? वो नेता होने के साथ साथ राम भक्त भी है, एक आम हिंदुस्तानी भी है, सर, एक आम हिंदुस्तानी का रोष भी होता है कि जनता के सामने प्रकट कर दे, तो ऐसा तो कुछ भी उन्होंने बयान नहीं दिया जो शर्मनाक हो। लेकिन हमारा तो यही काम है, बयान पढ़कर आप चाहेंगे तो मैं अंदर नहीं है, बयान अगर आप चाहेंगे तो हम पढ़कर भी सुना देंगे सर। अंदर किसको तकलीफ नहीं है? तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि बीजेपी के लीडर ही है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुप्रीम है, संदीप त्रिपाठी सवाल सुन लीजिए, या तो आप ये मत कहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। संदीप त्रिपाठी सवाल सुन लीजिए सर, शशि थरूर पर क्या पार्टी ने एक्शन लिया? शशि थरूर ने कहा कि अच्छे हिंदू अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते हैं, 2018 की बात है सर। इस तरह का बयान आपके पार्टी के लीडर देते हैं और आप कह रहे हैं कि शशि थरूर ने ऐसी कौन सी बात कह दी? तो मैं बता रही हूं सर, अक्टूबर 2018 अच्छे हिंदू अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते हैं। थरूर ने राम मंदिर मामले पर अपने विवादित बयान में ये बात कही थी कि अच्छे हिंदू जो है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं चाहते। स्वामी इस पर भड़क गए थे और उन्होंने कहा था, अब वो दो कदम आगे बढ़ गए और फिर इस तरह से बयान पर बयान, बयान पर बयान, जैसे तारीख पर तारीख अयोध्या मंदिर पर पड़ती गई, वैसे बयान पर बयान आते गए। आप कैसे पल्ला झाड़ेंगे? यहाँ सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं है, बहुत सारे मुसलमान भी चाहते हैं वहाँ पे राम मंदिर बने, तो आप ये मत कहिए कि सिर्फ हिंदू चाहते हैं, मुस्लिम भी चाहते हैं राम मंदिर बने, मुस्लिम भी चाहते हैं वहाँ पे राम मंदिर बने, तो सिर्फ कुछ मुस्लिम हैं जो नहीं चाहते, तो हम ये कहेंगे सिर्फ हिंदू ही नहीं, कई मुस्लिम्स भी चाहते हैं कि वहां पर राम मंदिर बने, क्योंकि आस्था का सवाल है और इसकी हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को सबकी आस्था का ध्यान रखना पड़ेगा, सिर्फ एक हिंदू की नहीं मुस्लिम की भी, बहुत सारे मुस्लिम पक्ष ऐसे हैं, स्कॉलर्स हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ पर
राम मंदिर होना चाहिए, जब ये प्रूफ हो गया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बता दिया, तो अब किसकी किस बात की लड़ाई है? आप मेरे घर में इतने सालों से कब्जा करके बैठे थे, तब मेरी बोलने की हिम्मत नहीं थी, आज मेरे साथ लोग हैं, मैं मजबूत हूं, तो मैं क्यों रहने दूंगी आपको अपने घर में? निकाल के बाहर नहीं करूंगी, अपना घर वापस नहीं बनाऊंगी, लूंगी नहीं। ये तो एक आम हिंदुस्तानी की बात है। नेहा नेहा जी, यहाँ टोकना चाहूंगी, आपके जो शब्द है, घर पे कब्जा करके बैठे हैं, तो देखिए वहाँ औरंगजेब ने, औरंगजेब ने वहाँ पर कब्जा किया। मैं वापस से बोलना चाहूंगी, वापस से बोलना चाहूंगी, ये वापस से मैं बोलना चाहूंगी। अगर आप 1528 में जा रही हैं, जब बाबर ने यहाँ निर्माण करवाया, संदीप जी एक मिनट, वही मैं कह रही हूँ नेहा जी, ये आपका स्टेटमेंट आप वापस लीजिए। नेहा जी, मैं चाहूंगी आप अपना स्टेटमेंट वापस लीजिए। नेहा जी, आप कह रही हैं कि आपके मंदिर, आपके घर नहीं, बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से थी। आप अपने स्टेटमेंट को सुनिए मैम, आप कह रही हैं कि आपके घर पे कब्जा करके बैठे हैं, तो आप उसको घर से बाहर निकालेंगे और दोबारा हम घर बनाएंगे, तो लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास करके तभी तो छोड़ रखा है, कि हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देगी कि यहाँ पर रामलला का मंदिर था और यही बनना चाहिए और यही बनेगा, बस हमें विश्वास है। अब इस विश्वास को भी अगर हम जताते हैं तो आप लोगों को ये तकलीफ होती है कि सुप्रीम कोर्ट पे इतना विश्वास क्यों है? आप लोगों को ये भी तकलीफ होती है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे इतना विश्वास क्यों है? नेहा जी, कोई पूछा है संदीप जी ने? ये हमारे नेहा जी, इतनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। नेहा जी, भावनाओं को कंट्रोल में रखिए। तो लगता है सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ चला हुआ है, ऐसा नहीं होता। संदीप जी, अपना प्रश्न रखिए। विश्वास है, जो विश्वास है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट वहाँ बनने देगी मंदिर, इस बात का पूर्ण विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट, बहुत शांति से सुन लीजिए, मेरा छोटा सा सवाल है। आप कहेंगे अगर ना बनने दे तो? अरे बहन जी, एक छोटा सा सवाल है, सुन लीजिए जी। बोलिए बोलिए साले जी, एक छोटा सा सवाल जी, है बोलिए। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय को कंटिन्यू रखता है, तब बीजेपी उस पर क्या करेगी? नेहा जी देखिए, जवाब दीजिए। मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप निर्णय आने दीजिए सुप्रीम कोर्ट का, मैं तो वहां जज नहीं हूँ ना, तो सुप्रीम कोर्ट को उनके ऊपर छोड़ दीजिए। साक्षी महाराज जी को हाथ जोड़ के मना कर दिया गया है कि आप कुछ ऐसे बयान मत दीजिए जिसकी किसी भी भावनाओं को दुख पहुंचे, तो ऐसे बयान मत दीजिए। मैं पढ़ के सुना दूंगी कि कितने अभी तक बीजेपी के लीडर थे इसको लेकर। ये क्या है, इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना शादिद रशीदी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रशीदी साहब, आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से जो नेहा शालिनी दुआ है, वो ये लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। संदीप जी, जिस तरह से बात नेहा जी कह रही हैं कि विश्वास और आस्था की बात है, तो ये तो कांग्रेस भी मानती है कि विश्वास और आस्था है, और मंदिर अगर बनना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, हम तो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वो हमें मान्य होगा और उसको हम अपनी ताकत के साथ इम्प्लीमेंट कराएंगे। लेकिन बात यह है कि जब बीजेपी जो है चुनाव के पहले तो बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम जो है अगर हमारा पूर्ण बहुमत आ गया तो हम संसद में जो है चुनाव आगे मंदिर बनाएंगे, इस पूरे चर्चा में चुनाव की एंट्री भी हो गई है, फिर मगन हो जाता है। मुझे डर यही है, क्या ये मंदिर का मुद्दा तब तक उठता है जब देश में चुनाव आया तब तक मुद्दा उठा है? हमारे साथ अविनाश कुमार, हमारे मैनेजिंग एडिटर, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपने अविनाश जी, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहां भी शुरू हो गई और चुनाव की एंट्री हो गई, और वाकई में यह विडंबना भी कहिए कि देश की यह विडंबना रही है कि जब जब चुनाव हुआ है तब तब यह मुद्दा उठा है और सभी ने अपने तरीके से इस मुद्दे को इनकैश कराने की कोशिश की है। योर कमेंट सर। देखिए, सबसे पहले तो 500 साल पुरानी घटना है, और 500 साल पुरानी घटना जब बाबर यहां पर आया था, एक्चुअली औरंगजेब ने नहीं, बाबर ने कांड किया था, और उसके बाद से 150 सालों से ये मामला कोर्ट और अदालतों में घूम रहा है, और 150 सालों में अब जा कर के कहीं जा करके पूरे हिंदुस्तान में भरोसा आ रहा है जैसे कि फैसला जल्दी ही निकलने वाली है। जैसा एक कोर्ट ने अपना डेडलाइन घोषित किया है कि 18 तारीख या 19 तारीख तक हम लोग इसके बारे में फैसला देने वाले हैं इसके ऊपर, तो मुझे लगता है इस समय लोगों को बयानों से बचना चाहिए, लोगों को अलग अलग बयान नहीं देने चाहिए, और ना ही अभी कोर्ट को कन्फ्यूज करने का टाइम है कि आप एक दिन कुछ बोलते हो, अगले दिन यू टर्न लेते हो, दोबारा कुछ और बोलते हो। तो इस समय इन चीज़ों से बाहर निकलने का काम है, और बाहर निकल के हमें देखने का जरूरत है, हमें भरोसा रखने का जरूरत है देश के सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर। मामला वहाँ पर लंबित है, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आप लोग भरोसा रखिए, तो भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए इसके ऊपर भरोसा रखना, निजी मत हो या गैर निजी मत हो। जब आप एक पब्लिक फेस हैं, जब आप एक लीडर हैं, आप एक निजी मत भी देते हैं, वो एक निजी मत नहीं रहता है।
तो आपको ऐसे करके कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भरोसा रखें और किसी भी बयान से बचें, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे मुस्लिम के लॉयर्स हों, जो कि एक दिन पहले बोलते हैं कि हम मानते हैं और राम जन्मभूमि मंदिर था, अगले दिन बोलते हैं अब नहीं था। तो आपको चाहिए इन चीज़ों से बचना। और बाकी ये हमेशा ही इलेक्शन चुनाव है तो आते ही रहते हैं, राम जन्मभूमि मुद्दा जो है मुद्दा भी बना हुआ है, इलेक्शन 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 हर बार यही होता है। नेहा जी, चुनाव के वक्त ये मुद्दा उठाया जाता है और खासकर देखा जा रहा है, 370 को भी कह रही है कांग्रेस की आप इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी भी कह दिया संदीप जी ने कि चुनाव के वक्त आता है तो यही मुझे हैरानी हो रही है संदीप जी पे कि वो कह रहे हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो में ये सारी बातें कही थी और अब हम पीछे हो रहे हैं। कहाँ पीछे हो रहे हैं आप मुझे बताइए तो सही, कहाँ भाजपा ने ये कहा कि हम नहीं चाहते कि वहां पर राम मंदिर बने? कहाँ जब भी किसी के हमारे किसी भी नेता के मुंह से ये निकला कि नहीं जी जब मर्जी बने, देर हो जाए सवेर हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? ये है ही नहीं, ये आस्था का सवाल है और भाजपा हमेशा इसके लिए प्रतिबद्ध रहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए और जितनी जल्दी से जल्दी हो बनना चाहिए और सर्वसम्मति से बनना चाहिए। मारपीट करके, लड़ाई झगड़े करके, दंगे फसाद करा के हमें ऐसे नहीं चाहिए, अच्छे और सुलह से, ताकि देश में भाईचारा भी बना रहे और कोई ना कोई अपना बड़कपन दिखाए। उसके बावजूद हमने तो बहुत बड़कपन दिखाया, अब हम दूसरों से भी उम्मीद रखते हैं कि दूसरे पक्ष के लोग भी थोड़ा बड़कपन दिखा के वहां पर। उसके बावजूद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो, गिरिराज सिंह हो, तमाम ऐसे बीजेपी के लीडर और ये चेहरे प्रमुख हैं जी, नेहा जी ये चेहरे प्रमुख हैं। खुद 2019 का ही बयान है साध्वी प्रज्ञा का, अगर आप चाहेंगी तो पढ़ के बताऊंगी, लेकिन आपके जहन में होगा कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने को लेकर उन्होंने दावा किया कि मैं उसे तोड़ने गई थी, ढांचे पर चढ़कर उसे तोड़ा, इस पर मुझे गर्व है। पार्टी में बहुत ही किरकिरी हुई थी इस बयान के बाद और उन्हें बुलाया भी गया था, हाजिरी भी लगी थी उनकी जी। देखिए, जब मैं आपको यही बता चुकी हूँ और आप खुद भी जानते, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे विवादित बयानों के लिए हाथ जोड़ के सभी नेताओं को कहा है कि अपने जज्बातों पर काबू रखें और ऐसे कैसे एक मत दे करें स्टेटमेंट, स्पोक्स पर्सन या स्टेटमेंट अगर आ रहे हैं कि वो ऐसी स्टेटमेंट ना दे नेता लोग। लेकिन अगर इस तरह के स्टेटमेंट लगातार आ रहे हैं तो कैसे हम उम्मीद करें कि सभी पक्ष जो है वो एकमत हो जाएंगे, अदालत के फैसले को स्वीकार करेंगे? अदालत में जब कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है, तो ऐसे में सभी पक्ष, अगर ये बीजेपी के लीडर्स तमाम इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और उसके बाद तमाम इधर उधर से चीजें ऐसे आती हैं जो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती हैं, तो कैसे माने? क्या ये दबाव बनाने की कोशिश नहीं की जा रही है? सभी पक्ष इसलिए हम चाहते हैं एक हो जाए क्योंकि यहाँ देश की आस्था का सवाल है, हमारी भाजपा की आस्था का नहीं है कि सिर्फ राम में हमें आस्था है, ये करोड़ों मुसलमानों की भी आस्था है, उनको भी राम पे विश्वास है, अयोध्या पे उनको भी विश्वास है जो वहां पर मुसलमान रहते हैं, हिंदू जो धर्म है। तो ये हमारी वाली बात ही नहीं है कि ये सिर्फ मतलब राम का टैग सिर्फ बीजेपी के साथ जो जोड़ दिया गया, ये गलत है। हमें तो विश्वास है ही है और हमें अगर न्यायालय पे, संविधान पे विश्वास नहीं होता तो हम कब का ये कह चुके होते हमें कोई जरूरत नहीं, हम वहां पे ये कर लेंगे। तो आप ये रहने दीजिए कि बयानबाजियां जो ऐसे खुद रिक्वेस्ट करते हैं ऐसे मत कहिए जी। हमारे साथ फोन लाइन पर मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। मौलाना साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरह से यू टर्न हो गया, 24 घंटे के भीतर मुस्लिम पक्ष के वकील कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं कि राम जन्म स्थान वही था, हमने तो सिर्फ सम्मान किया था कि कोर्ट में ये बात आई थी, लेकिन अब हम नहीं मानते हैं, ये अचानक से यू टर्न क्यों? देखिए, मैं देख रहा हूं मुस्लिम वकीलों और जो राजीव धवन जो बहस कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो अयोध्या में को तो राम जन्म स्थान मानते हैं, लेकिन पार्टिकुलर वो जगह जहां मस्जिद जो है वो बनी हुई थी और अभी भी जो है वो मानते हैं कि वो जगह जो है वो राम जन्म स्थान नहीं है और वहां पे कोई मंदिर नहीं था, ये आज की बहस में भी ये बात है। तो ये कैसे हो गया कि अब ये राम जन्म स्थान था ही नहीं, रामकोट में राम जन्म स्थान था? अब ये राम जन्म स्थान जो है ये जो है ये तो आप जो है ना वो दोनों को मिला रही है ना, अयोध्या का जन्म स्थान होना और जो है वही जगह जहाँ मस्जिद है जो है थी जो है 6 दिसंबर 1900 समझ रही हैं क्या बोल रहे हैं मौलाना साहब? अयोध्या में राम जन्म स्थान होना और उसी जगह जहाँ पर मस्जिद था वहाँ पर राम जन्म स्थान होना,
या आप खुद ही बोल रही हैं, देखिए स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं, यू टर्न्स हो रहे हैं, पर इसमें अब हम क्या बोल सकते हैं, वो अपनी स्टेटमेंट क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मौलाना साहब, क्यों इस तरह के टर्न देके और मामले को उलझाने की कोशिश कर, ताकि और लंबा खींचे और धागा जितना खींचा जाए तो एक ना एक दिन टूटता तो है ही है। कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पेशेंस, हमारे पेशेंस का मुझे लग रहा है सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, हमारे सब्र का लगता है इम्तिहान लिया जा रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट से कि वो हमारी आस्था और हमारे विश्वास पे विश्वास अपना दिखाएं और सर्वसम्मति से वहां बनाने नहीं करूंगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है मैम, और इस तरह के स्टेटमेंट अलाउ नहीं करूंगी, इस तरह से दबाव सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं बनाया जा सकता। माफ कीजिएगा मैम, ये स्टेटमेंट अलाउ नहीं करूंगी। हे राम में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या राम जन्मभूमि बनेगा, क्या ये जो बयानवीर हैं अपने बयानों से बाज आएंगे, ये इस तरह की बयानबाजी कब करना बंद करेंगे, जिससे लेके मामला जो ये राम जन्मभूमि का वो उलझे ना, और क्या सभी पक्ष जो हैं एक मत होंगे। ये सारे सवाल आज इसलिए वाजिब हो जाते हैं क्योंकि जिस तरह से साक्षी महाराज का बयान आया है, और आज जब जिलानी साहब ने, मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं, उन्होंने यू टर्न लेते हुए कह दिया है कि राम जन्म स्थान जो है वो दरअसल वहाँ पर जन्म स्थान था ही नहीं, हम मानते ही नहीं, तब ये मामला अब फिर से अब डिस्कशन का इशू बन चुका है। हमारे साथ करुणेश शुक्ला जो हैं निर्वाणी अखाड़ा के वकील इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं। करुणेश जी आपका स्वागत है। नेहा शालिनी दुआ बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई हैं, संदीप त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, और अविनाश कुमार हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना साहब सबसे पहले, क्योंकि ब्रेक पर जाते वक्त आप ही से बातचीत हो रही थी, तो सबसे पहले तो सवाल आप ही से, आप कंफ्यूज हो रहे हैं सर, आप राजीव धवन की बात कर रहे हैं लेकिन हम तो जिलानी साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है। वो मैं जो है वही दोनों की बात कर रहा हूँ। जिलानी साहब ने यही मुद्दा उठाया है कि 1886 में वो जो सीता रसोई चबूतरा है वहां पे मंदिर बनाने का दावा था, ये बाद में उन्होंने जो है मस्जिद के अंदर जो है के लिए जो है वह दावा शुरू कर दिया है। तो वो ये जो है कि अयोध्या में जो है राम पैदा हुए थे, हम तो वाल्मीकि रामायण से लेके जो है रामचरित्र मानस है, मंजूल रामायण, ग्रंथों पर मत जाइए मौलाना साहब, खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया है कि ग्रंथ में जो चीज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि अस्तित्व में नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो हम उस सुनवाई से बचेंगे सर, हम वहां कमेंट नहीं करेंगे। वहाँ जो है आस्था का निर्णय जो है वो कोर्ट में नहीं होता है, और वो हो भी नहीं सकता है कि हम जो है राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं या अवतार मानते हैं या भगवान मानते हैं, वो कोर्ट इसका जो है वो फैसला जो है वो, लेकिन प्रमाण तो मिले हैं भारतीय पुरातत्व विभाग को, अवशेष जो है उसके प्रमाण मिले हैं, खुदाई कराई गई थी, ये सारा मसला आप जानते हैं। करुणेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ निर्वाणी अखाड़ा के वकील जो है, देखिए इसमें जो है वो तीन चीजें होती है, दावा है, रिपोर्ट है, प्रमाण है। अगर वो रिपोर्ट को प्रमाण माना जाएगा तो उसी हिसाब से निर्णय आएगा, तो निर्णय जो आएगा उसके साथ जाना चाहिए अगर आप जो है संविधान को जो है वो मानती है तो। निर्णय जो आए उसके साथ जाना चाहिए, ये मैं मानती हूँ कि निर्णय के साथ जाना चाहिए, लेकिन ये जो वक्त रहते यू टर्न लिया जाता है, ये जो यू टर्न है ना वो मामले को और उलझा रहा है सर, और हम इस यू टर्न पर ही बात कर रहे हैं। अयोध्या जो है वो तो है ही जन्म स्थान जो है राम का, इसमें क्या संदेह है, तो इसको लेकर जो है वो मुद्दा बनाना ही जो है मेरे हिसाब से सही नहीं है। असल को जो पार्टिकुलर जो स्थान है उस स्थान को लेके जो है वो मुद्दा है कि यहाँ पे जो है पहले मंदिर था कि नहीं था, या जो है वो मानते हैं मंदिर बनना चाहिए, ये जब आप ये मान रहे मौलाना साहब कि जन्मभूमि थी ये तो हम भी मानते हैं, तो मंदिर बनना चाहिए। जन्म स्थान के नाम पे अयोध्या में आज भी 12 मंदिर बने हुए हैं। सर आप डिस्कशन को कहीं और ले जा रहे हैं, ऐसे तो कई और मंदिर भी हैं, लेकिन जो राम लल्ला की जन्मभूमि को लेकर विवाद हो रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। करुणेश शुक्ला जो कह रहे हैं मौलाना साहब कितना इत्तफाक रखते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है या वाकई में क्या क्या बात है, क्यों ये यू टर्न? देखिए देश में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, और हमें मतलब केवल राम जन्मभूमि से है जी, जिसका मुकदमा माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जी। और
मतलब यहाँ पे जो मुकदमा है उस जमीन के दायरे में है 277 जो एकड़, हाँ 2.77 सेवन जो जमीन है उसका मुकदमा की बात कर रहे हैं और राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ना कि हम पूरे देश के मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहना यह है कि राम जब वहाँ पे बाबरी मस्जिद था और एक राम चबूतरा था, तो राम चबूतरा पे जो लोग आते थे बोलते, कुछ लोग आते हैं, कुछ वकील वहाँ पे बोल रहे हैं कि राम चबूतरा ही असली राम जन्मभूमि स्थान था, लेकिन स्कंद पुराण में जो कहा गया है एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है कि यहाँ पर हुआ राम का जन्म या वहाँ पे हुआ, लेकिन जो लोग यहाँ पे दर्शन करने आते थे, एक डिवाइडर बन गया था कुछ समय पहले वहाँ पर, लेकिन फिर भी लोग मस्जिद के तरफ राम चबूतरा पे तो दर्शन करते थे, वहाँ पे पूजा पाठ होती थी, कीर्तन होता था, लेकिन फिर भी जहाँ पे बाबरी मस्जिद बना हुआ था उसके तरफ देख करके पूजा अर्चन करते रहते थे। इसका मतलब एक श्रद्धा उस राम जन्मभूमि को तोड़ करके जो बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, उनकी श्रद्धा, उन श्रद्धालुओं की श्रद्धा उस मस्जिद में जो रामलला विराजमान, जो राम का मंदिर तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाया गया था, वहां पर हमारा मेन आस्था वहां से जुड़ा हुआ था, और इसको मुस्लिम पक्षकार भी मान रहे हैं। एक दिन राजू धवन जी ने भी बोला कि अगर हम मानते हैं कि मान लिया वहां पे, हम मान लेते हैं कि वहां पे राम जन्मभूमि विराजमान था, ये राम जन्मभूमि था, लेकिन पूरी तरीके से हमें निकालिए नहीं, पूरी तरीके से हमको हटा नहीं सकते। इस तरीके का सारे मुसलमान भी मानते हैं, बहुत सारे हमारे ही देश में नहीं, केवल इंडोनेशिया में आप जाइए, हर देश में मुस्लिम मानते हैं, और वो उनके पूर्वज भी राम ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते हैं। औरंगजेब ने उनको मुसलमान बनाया, उसके पहले तो उनको उनके बाप दादा हिंदू ही तो थे। अब ये दूसरा डिस्कशन हो जाए, वही डिस्कशन है, वो लोग मानते हैं राम को अभी भी जी। लेकिन अब ये जो टर्न आया है, ये फिर से ये बात हो रही है कि ये चबूतरा राम जन्मभूमि है या मस्जिद वाली जगह जन्मभूमि है, क्या लगता है ऐसे मामला और उलझेगा कि सुलझेगा? देखिए, ऐसे मामला तो और उलझाने वाली बात हो गई है, क्योंकि जफरजय जिलानी जी ने कल एक्सेप्ट किया कि क्या नाम है, हम मानते हैं जो जो चीजें थी, लेकिन आज उस बात से मुकर गए, उसका हवाला दिया, हाँ, है कि हवाला दिया। क्योंकि कोर्ट में बातें थी तो हमने उस बात का जिक्र नहीं किया। इस तरीके का जो बयान से अपने पलटना, ये अच्छा नहीं होता है। जैसे आपको भी लगता, मतलब कई सारे उनके आंखों में बेसिकली क्या है कि आज उन्होंने एक जिक्र किया कि सर हमारे आंखों का ऑपरेशन होने वाला था, इसलिए हम ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने आज अपने जूनियर एडवोकेट को बोला कि हमारे जगह पे जो कुछ जो छोटे अक्षर में लिखा हुआ है वो हमारे जगह पे हमारी जो जूनियर काउंसिल है वो पढ़ेंगी। तो आज उन्होंने बोल दिया है, कल उनको आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए जज साहब करीब एक घंटे के करीब मतलब उनकी आर्गुमेंट को पूरी तरीके से मतलब समझ नहीं पाए क्या वो बोलना चाहते हैं। लेकिन जब इस तरह की सुनवाई, जब इतने निर्णायक मोड़ पर सुनवाई चल रही है और इस तरह से यू टर्न लिया जाता है, तो इसका असर देखिए देश में कैसे देखने को मिलता है कि बीजेपी के इतने कद्दावर नेता साक्षी महाराज वो इस तरह का बयान दे बैठते हैं कि सुनवाई अंतिम दौर में है और दिसंबर में हम राम मंदिर बनवा रहे हैं। तो ये तो और ये ऐसे नेताओं का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे बीएचपी के हों, चाहे किसी भी संगठन को, चाहे शिवसेना हो। हम मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ी संस्था है न्याय के न्याय प्रणाली में, इसलिए उस पर देश को हम एक नागरिक हैं, तो हमारा हर एक देश के नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि अपने देश के सर्वोच्च संस्था पर विश्वास करें, और उसी के साथ सबको विश्वास करना चाहिए कि हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देती है। लेकिन पक्ष एकमत कैसे होंगे करुणेश? सवाल ये आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, वहाँ दलीलें पेश की जा रही हैं और वहाँ बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जिनको वहाँ बैठे जज के पैनल जो है वो सुनेंगे, लेकिन अगर आज जब ये यू टर्न हुआ तो साक्षी महाराज का बयान आ जाता है, तो साक्षी महाराज के बयान का क्या वैल्यू रखता है? साक्षी महाराज की भावनाएं जुड़ जाती है उसमें, कुछ ना तो पार्टी है ना तो कुछ है, केवल बयानबाजी महारथी हैं, ऐसे महारथियों का मैं कोई समर्थन नहीं करना चाहता हूं। नेहा जी, जी इस बात पे पहले ही बात हो गई और मैं मौलाना साहब से ये लेकिन बार बार ये यू टर्न मारना अपने आप में ये चीज नहीं प्रूफ करता कि कहीं ना कहीं आप खुद ही सेटिस्फाई नहीं है? यू टर्न इंसान तभी मारता है जब वो अपने आप से ही कन्विंस नहीं होता। तो यहाँ जब आप लोग अपने आप से कन्विंस नहीं है, पहले आप मानते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी अब आप झूठा साबित कर रहे हैं कि वहां जो अवशेष मिले रिपोर्ट की बात है, उन्होंने झूठा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि रिपोर्ट जो भी है जी। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क ताकि लोगों के दिमाग में, जहन में क्वेश्चन मार्क आ जाए।
तो ये क्वेश्चन मार्क ऐसा मत बनाइए कि लोगों की यहाँ लोगों के जहन में क्वेश्चन मार्क आ जाए, ये यूटर्न से हो सकता है कि मामले को भड़काने की कोशिश हो रही है, लेकिन जजेस बैठे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, और अगर नहीं समझ रहे होते तो जब मध्यस्थता की बात उठी वापस से, तब यही कमेंट था जजेस का कि पैरेलल में चाहे तो मध्यस्थता चले, लेकिन हम सुनवाई नहीं रोकेंगे। तो इतनी समझदारी तो जजेस को है, तो क्या ऐसे में हमें सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं जताना चाहिए जो इस तरह के बयान सामने आने लगते हैं? और उसके बाद जब बीजेपी का बयान आया तो कांग्रेस पार्टी बोलेगी ही बोलेगी कि खुद अपने प्रधानमंत्री के नहीं सुनते हैं। और ऐसे में ना, क्योंकि भावनाएं जुड़ी हैं नेहा जी, देश की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, तो पार्टी को कहीं ना कहीं ख्याल रखना चाहिए, लेकिन देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, पार्टी पूरा ख्याल रखती है, तभी हम उनके तरफ से माफी भी मांग रहे हैं, और ये भी उनको ऐसे नेताओं को समझाया जाता है कि कुछ भी अपनी भावनाओं को काबू में रखें, लेकिन जब ऐसे बयानबाजियां हो जाती है तो उसके बाद सिर्फ माफी ही कह सकते हैं, कि उन्हें उसकी कड़ी निंदा ही की जा सकती है कि उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखना चाहिए। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, ऐसे वक्त में क्या लगता है कि सभी पक्ष जो है एकमत हो पाएंगे, क्योंकि सिर्फ सरकार सुप्रीम कोर्ट की ही जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि देश में जो विश्वास आस्था का माहौल है वो कायम रहे और सभी को सर्वमान्य हो फैसला? जी, पहली बात तो आज हम विपक्ष में, कल पक्ष में थे तब भी ये मामला चल रहा था। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि जो है अभी हमारे साक्षी महाराज जी की बात हो रही थी, तो साक्षी साली जी कह रहे थे कि माफी मांग रही है, तो इन्हें मैं बताना चाहूंगा कि ये क्या भगवान राम को भूल गए कि चुनाव के पहले कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह सबके बयान है, जब ये कहा करते थे कि हम अगर जो है पूर्ण बहुमत से हम जीत कर आते हैं, ये 2014 के पहले की बात कर रहा हूँ, अगर हम पूर्ण बहुमत से जीत के आते हैं तो हम जो है हारने की टीस बोल रही है क्या सर? राम मंदिर का निर्माण कराएंगे सर, ये टीस है क्या? ये हारने की टीस है 2014-2019? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने राम का इस्तेमाल करके वोट लिया है। क्यों कांग्रेस ने इस्तेमाल नहीं किया? राजीव गांधी की सरकार में ही, राजीव गांधी के कार्यकाल में ही सर, हमें हरामजादे और हरामजादे की परिभाषा दी जाती थी, जो हम कहा करते थे। आज पक्ष में आकर आप सरकार में जब आए तब आप हमारी बातों को दोहरा रहे हैं, तब आप हमें जब रामद्रोही बताया करते थे तो क्या तब आप गलत थे, आज आप गलत है? और रही बात यूटर्न की, तो बीजेपी की यूटर्न की मैं बात कर लेता हूँ, बीजेपी तो यूटर्न मारने में इतनी माहिर है, अभी तक जैसे हमने बताया कि पहला यूटर्न की वो कहा करते थे कि हम जो है मंदिर जो है संसद में विधेयक लाकर बनाएंगे, आज यूटर्न हो गया, आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बनाएंगे, आधार कार्ड का विरोध करते थे यूटर्न हो गया, जो है जीएसटी का विरोध करते थे यूटर्न हो गया, कितने यूटर्न मैं आपको बताऊं। और आज जो है राम राम इन्होंने चिल्लाना सिर्फ इसलिए शुरू किया है क्योंकि कुछ राज्यों में चुनाव है और देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है, उस पर चर्चा ना हो, इसलिए बयान वीरों को खड़ा कर दिया गया है कि आप ऐसे बयान कंट्रोवर्शियल बयान, ये तो आप असदुद्दीन ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं संदीप जी, इल्म अर्थव्यवस्था पर न जाए सिर्फ राम मंदिर पर, तो आप क्यों बैठे हैं सर? अर्थव्यवस्था पर ध्यान लाइए ना लोगों का, आप क्यों बैठे हैं? आप ये बताइए, जो सवाल मैंने पूछा कि क्या लगता है कि केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सभी पक्षों को एक साथ लाए, कि लोगों का ध्यान लाए कि ये सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी गुमराह कर रही है। नेहा जी कैसे गुमराह कर रही है, ये बात मुझे त्रिपाठी अध्यादेश की बात पे चले गए समझ आ रही, संदीप जी अध्यादेश की बात पे चले गए, वो बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि अब जैसे बीजेपी चाहती नहीं है कि राम मंदिर, क्यों नहीं चाहेगी हम, लेकिन बीजेपी दबाव है, लेकिन चुनाव के वक्त ही चाहती है, वो चाहती तो 370 हटा सकती है, अगर नोटबंदी कर सकती है तो क्या कर लेती है, बड़े निर्णय ले सकती है, तो इस निर्णय लेने में वो क्या 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 निर्णय क्या निर्णय क्या चाह रहे हैं, क्या करे आप, क्या चाह रहे हैं कि क्या करे बीजेपी बताइए ना, आपका जो वादा था, जो आपने जनता से वादा किया था सर, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो आप ये बताइए ना, हम संविधान पे विश्वास नहीं करें, हम संविधान पे विश्वास नहीं रखें, आप बताइए, आप अपने मुंह से बोल दीजिए जो आप चाहते हैं, आपके दिल में है, आप बात जब जुबान पे ले आइए ना कि हम संविधान पे विश्वास नहीं रखें, जबरदस्ती अध्यादेश लिए हैं, आप देखिए ना, जबरदस्ती अध्यादेश लिए हैं, इसका मतलब विश्वास नहीं है हमारे को, जब एक तरफ हम दुनिया को कहते हैं कि कानून पे विश्वास रखो, दूसरी तरफ हम ही ऐसा काम करेंगे तो कौन सा इंसान कानून पे विश्वास रखेगा, आप रखेंगे
आप रखेंगे और कोई जनता रखेगी? कोई नहीं रखेगा। तो आज हमने उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट की हम अवहेलना नहीं कर सकते, इसीलिए उनके ऊपर फैसला छोड़ा है बस। हम पहले पता नहीं आपको इसमें क्या तकलीफ हो रही है। हम तो वही आपका, आप क्या चाहते हैं? आपको याद दिला रहे हैं दंगे फसाद के लिए अध्यादेश लाके कानून की अवहेलना करें, कुछ बोलते हैं तो आप मुझसे बोल दीजिए ना, आप क्या चाहते हैं हम क्या करें बताइए। आप विपक्ष है, इतना बड़ा करने वाली बीजेपी है, बीजेपी ने राम जन्मभूमि विवाद को बड़ा किया। मैं आपको जानकारी दे सर, बहुत पुराना विवाद है, इतने हल्के में मत लीजिए जानकारी का, मैं थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। संदीप जी बहुत पुराना विवाद है सर, 150 साल बीजेपी तो अभी दो बार से सत्ता में आ रही है सर, और सरकारें पलटी हैं, बड़े बड़े नेता बने हैं, ये सभी मानते हैं, ये सभी मानते हैं, लेकिन आपके कार्यकाल में भी, कांग्रेस के कार्यकाल में भी राम जन्मभूमि पर जी आपकी सोनिया गांधी जी कहती है राम जी थे ही नहीं। आप अब बातें मेरे से, आप मेरी बातें अब जुबान से मत निकलवाइए। आपकी सुप्रीमो कहती है कि थे ही नहीं है, उनका ये था कि हमारे सामने एफिडेविट, उनका प्रूफ कीजिए, उनके हॉस्पिटल में पैदा हुए थे क्या? राम श्री राम, आप प्लीज ये बातें मौलाना जी बात निकलवाइए। मौलाना जी हमारे साथ इस फोन लाइन पर बात के बाद मौलाना अब्दुल हमीद लुबानी हमारे साथ टेलीविजन पर हैं। मौलाना साहब जी जी कह रही है नेहा जी कुछ क्या बात एफिडेविट दे क्या कि कहां पर जन्म हुआ है? वहां संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं कि बीजेपी अपने मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाती है। आप सोनिया गांधी जी के बयान पे बताइए ऐसे कैसे पक्ष सारे जो पक्ष है सर वो एक मत होंगे? सब अगल बगल के जितने भी बयान है उसका जो है सीधा जो है वो मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, हमें ये बिल्कुल जो है वो क्लियर जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि जो भी निर्णय आएगा उस निर्णय के साथ जो है वो जाना है, क्योंकि देश जो है वो कुरान से, मनुस्मृति से या आस्था से जो है नहीं चल रहा है बल्कि संविधान से चल रहा है, इसलिए संविधान होगा। ये मान रहे ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, जो भी फैसला आएगा उसको जो है बगैर अगर मगर के जो है वो मानना जो है वो, लेकिन जब ये अगर मगर की बात नहीं आती है सर तो मध्यस्थता की बात फिर से सुप्रीम कोर्ट में क्यों उठ जाती है? जब सुनवाई चल रही है तो ये दोनों पक्ष के लोग आखिरकार कहां से ये आ जाते हैं सामने से कि मध्यस्थता फिर से हो, जब वो मध्यस्थता विफल हो गई तो ये टालने की कोशिश नहीं तो और क्या? वो सुप्रीम कोर्ट की जो है देख रेख में अगर ये सब मध्यस्थता की बात हो रही है तो वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। कौन सी सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में सर? पैनल सुप्रीम कोर्ट ने ही बनाया था और उस पैनल ने अपनी रिपोर्ट पेश की और मध्यस्थता की बात को अस्वीकार कर दिया सभी पक्षों ने, और जब सुप्रीम कोर्ट में डेली सुनवाई होने लगी तो फिर से मध्यस्थता की बात आ गई। यहाँ पे तो सवाल उठेगा ना सर कि आखिर मंशा क्या है, टालने की या बनाने की? नहीं देखिए वो व्यवहारिक जो है ना, व्यवहारिक समाधान जो है मध्यस्थता से वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कोर्ट ने ये कह दिया कि ऐसा नहीं लगे लोगों को भी हो सकता था कि ये समाधान निकलता, लेकिन इसीलिए कहा कि आप लोग जो है वो करते रहिए, जब आप जो है वो एक जगह सहमत हो जाएंगे तो बता दीजिएगा कोर्ट को, वहां से जो है वो सर ये बात मुझे हजम नहीं हो पा रही है कि मध्यस्थता के लिए जब पैनल गठित किया सुप्रीम कोर्ट ने और वो मध्यस्थता पैनल ने सुनवाई, दोनों पक्षों को सुना, सभी पक्षों को सुनने के बाद, दलीलें सुनने के बाद ये फैसला हुआ कि मध्यस्थता से इस पर फैसला नहीं लिया जा सकता, हम एक फैसले पर एक नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, उसके बाद सुनवाई शुरू होती है। सर मेरा सवाल सुन लीजिए, सर मेरा सवाल सुन लीजिए, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप यहां पर ये कह रहे हैं कि सर्वमान्य होगा हमें फैसला, तो फिर बयानों से नहीं पलटना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम पक्ष के वकील हो चाहे हिंदू पक्ष के वकील हो, लेकिन यहां मुस्लिम पक्ष के वकील अपने बयान से पलटे हैं, वो बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट में क्योंकि ये बात रखी गई थी इसीलिए हमने छेड़ा नहीं इस बात को कि राम जन्म स्थान वहां है, लेकिन आज उन्हें अचानक याद आ जाता है कि राम जन्म स्थान वहां नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए ये जो है वो अगर जो है हाई कोर्ट में बात आती है तो अंतिम जो है निर्णय वो सुप्रीम कोर्ट का होता है सर, तो ये एक कोई मामला नहीं है, इस तरह हजारों जो है वो मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो तो नेहा जी कह तो रही हैं अब एफिडेविट देंगी क्या या राम का जन्म कहाँ हुआ इसके लिए एफिडेविट बना के दिया जाए, क्या दिया जाए, जब जो फैक्ट्स रख दिए गए हैं हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में, जिसको माना गया है, जिस पे दलीलें दी जा चुकी है, जिसे रख दिया गया कोर्ट के सामने, अब उससे पलट जाना कि यहाँ पर नहीं है जनाब, यहाँ पर ये चीज है, तो ये तो कंफ्यूज करने वाली बात हुई ना सर। नहीं
नहीं नहीं वो वहाँ जो है वो बहुत सी बातें जो है वो सुनी नहीं गई थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक लोग आते हैं मामले को लेके, और इसको आपको मानना पड़ेगा चाहे वो आपकी पसंद और मर्जी के जो है विरुद्ध निर्णय हो, तो जो है साक्षियों के आधार पर निर्णय होता है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा ना आपको। जी जी जवाब दीजिए, कहना है मौलाना साहब का कि बहुत सारी बातें सुनी नहीं गई थी पहले, इसलिए अब जिलानी साहब इस तरह की बात रख रहे हैं। देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों को आराम से सुन रहा है, लगता है इनको नहीं सुना गया है ठीक से, ये अभी हर एक पक्ष को टाइम दिया जाता है, हर एक पक्ष को अपना बात को रखने के लिए सबको पूरा पूरा टाइम दिया गया है, सभी लोग अभी हिंदू पक्ष को सुना गया, अभी मुस्लिम पक्षकारों को सुना जा रहा है, और इसके बाद रिबटल का टाइम आएगा, रिबटल के टाइम में भी सबको टाइम दिया जाएगा, ये भारत देश है यहाँ पे सबको सुनने का और सुनाने का मौका दिया जाता है। अगर मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं अपने मन का बोल जाते हैं, अगर भारत के अंदर ऐसा पेशेंस नहीं होता सुनने के लिए तो लोग ऐसे बोल करके और बड़बोले जो हैं चले नहीं जाते, सबको सुना जा रहा है, और जिसको अगर सुनाना बाकी है अभी मध्यस्थता के लिए इन्होंने लेटर दिया लेकिन फिर गायब हो गए, मिले नहीं कि कहाँ पर हम हैं, बात ही तो इस तरीके से टालने का इनका जो बार बार अभी कांग्रेस के लोग थे और मध्यस्थता के लिए नहीं, जब चुनाव के टाइम में आए कपिल सिब्बल खुद कहे कि 2019 के बाद सुना जाए, और उसके बाद उन्हीं के पार्टी के लोग कांग्रेस के पार्टी के लोग बोलते हैं कि हम राम के अस्तित्व को मानते नहीं हैं लेकिन चुनाव में जनेऊधारी बाबा बनके जरूर घूमने लगते हैं। तो इस तरीके की जो पार्टियां हैं, इस तरीके के लोग जो बोले हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे कोई भी हो, इस तरीके को से मामले को टालने से नहीं चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ठान के बैठ गया है कि इस मामले को 18 अक्टूबर तक कंक्लूड कर लिया जाएगा और 17 नवंबर से पहले जजमेंट फाइनल आ जाएगा, और बीच में जो मध्यस्थता करना है आपको सुनवाई नहीं रोकी जाएगी, चाहे जो भी हो जाए कितना भी ये लोग अड़ंगा फंसा लें उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। राम जन्मभूमि मुझे जहां विश्वास है वहीं पर बनेगा, क्योंकि सदियों से वहां पर हम लोगों ने तमाम सारी दलीलें पेश की हैं और वहां पर राम जन्मभूमि का बहुत सारा ASI का रिपोर्ट मिला है, मतलब बहुत सारी चीजें थी और वहां पर राम जन्मभूमि ही बनेगा। अविनाश जी, ये जिस तरीके से आप बाहर से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, ये क्या लगता है कि सभी पक्ष जो हैं एक मत होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत दबाव है, दलीलें दी जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट एक एक दलीलों को ध्यान से सुन रहा है, क्योंकि आस्था का सवाल जुड़ा है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट सभी की दलीलों को सुन रहा है, लेकिन क्या लगता है जो अभी तक जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी की बात कह रहे हैं और करुणेश जी जिस तरह से बोल रहे हैं, मौलाना साहब जिस तरह से मामले में इतना यू टर्न हो रहा है, क्या लगता है कि एकमत हो पाएंगे सभी पक्ष? अब सवाल एकमत होने का नहीं है, अब सवाल सिर्फ है कि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर भरोसा रखने का। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने एक तय समय सीमा बांध दिया है कि मुझे फैसला सुनाना है, उन्हें फैसला सुनाना है, तो अब जाकर के जो भी हो रहा है, जिसका ये बयान दर्ज हो रहा है, सीधा सीधा बयान के ऊपर फोकस करना चाहिए लोगों को, ना कि गैर जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए लोगों को, चाहे वो पार्टी सत्ता पक्ष से हो या किसी और पक्ष से हो। कल जैसे यहाँ पे मुस्लिम पक्ष के पैरवीकार बदल गए, यू टर्न लेकर चेंज हो गए, वो करना ठीक नहीं है अभी। और मेरे हिसाब से अभी तो सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा पूरा भरोसा रखें और सर्वोच्च न्यायालय को ही एक गाइडलाइन देनी चाहिए इन बयान वीरों के लिए जी, कि वो इन बयानों से बचें। सिंपल सी बात है, उनको बयानों से ही मना कर देनी चाहिए, ऐसे बयान से बचें ताकि सर्वोच्च न्यायालय पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं बन सके और आम जनमानस में भी इस तरह से किसी बात पे किसी को भड़काया नहीं आ सके, चाहे वो मुस्लिम पद से हो चाहे वो हिंदू पद से हो। जी संदीप जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जिस तरह से हालांकि कितने भी टर्न आ जाएं लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अडिग नजर आ रही है और खुद रंजन गोगोई का ये कहना है और वो चाहते हैं कि उनके रिटायरमेंट के पहले फैसला लिख दिया जाए, 18 अक्टूबर दिन तय कर दिया है कि सुनवाई पूरी कर ली जाए और फिर हमें 4 हफ्ते का वक्त चाहिए। क्या लगता है कि अब जब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में तो विश्वास होगा सर, तो कम से कम वहां मामला चल रहा है, तो ये बार बार कहना कि बीजेपी चुनाव में इस्तेमाल कर रही है क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव करीब है, ये कहीं ना कहीं सर उस टीज को दर्शाता है 2014-2019, माफ कीजिएगा। संदीप जी, लगता है किसी तकनीकी खराबी की वजह से हमारी आवाज संदीप जी तक नहीं पहुंच पा रही है। नेहा जी, विश्वास की बात अविनाश जी ने की कि विश्वास होना चाहिए और गाइडलाइन भी होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तरह की चीजों में उलझे क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव है, खुद पार्टी को गाइडलाइन देनी चाहिए मुझे लगता है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो मुझे लगता है
कि जो नेता प्रमुख नेता हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए अपने लीडर को। जी बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, उसके लिए तो हम बोल ही रहे हैं। और जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक बोला है कि दोनों पक्षों को ध्यान से सुनने के बाद 18 अक्टूबर को तक लास्ट उनको टाइम दिया है, उसके बाद 4 हफ्ते लेंगे और अपना निर्णय सुनाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत दबाव, ऐसे ही प्रेशर दिया जा रहा है, कभी यू टर्न लेके कभी कोई बातें करके, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। हमें उन पे विश्वास है न्यायालय पे और रखना भी चाहिए, सबको भरोसा रखना चाहिए। लेकिन विश्वास के साथ साथ नेहा जी आपने एड ऑन किया था, जिस कमेंट को मैंने बोला भी था कि मैं स्वीकार नहीं करूंगी, कि हमारे हमारा जो विश्वास है राम जन्मभूमि वही है, हमारी जो आस्था है उसका ख्याल हमने दिए, उसका ख्याल दलीलें भी दिए। लेकिन हाईकोर्ट के उस फैसले पर ले जाऊंगी नेहा जी, हाईकोर्ट का जब फैसला आया था और तीन पक्षों में बांट दी गई थी भूमि को, तीन पक्षों में बांटा गया था, लेकिन इसी के खिलाफ तीनों पक्ष जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, 14 याचिकाएं दायर कर दी जाती हैं। तो ऐसे में लगता है, सवाल ये उठता है जहन में, जब इस तरह के नेता जो है बयानबाजी करते हैं और इस तरह के टॉप पे बैठे जो लेवल के लीडर हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, तब लगता है कि क्या फैसला सर्वमान्य होगा, क्या प्रेशराइजेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि हमारी आस्था है तो आप ये बात मानो। नहीं, उन्हें बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं किया जा रहा, और जो इस तरह का बयानबाजियां करते हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है, वो पहले भी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं और आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि उनको इसी बात का दुख होगा कि क्यों कोई भी नेता हमारी पार्टी का ऐसा कोई बयान देता है कि किसी को भी दबाव का महसूस नहीं। पार्टी गाइडलाइन जारी करेगी कोई ऐसा? बिल्कुल, बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा कि कोई भी ऐसी पार्टी के खिलाफ ऐसी कोई गाइडलाइन बहुत जल्दी आएगी, और हर चीज में टाइम थोड़ा सा लगता है, बिल्कुल, ताकि सुनवाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फाइनल कमेंट चाहूंगी सर, क्या लगता है जब सुनवाई चल रही है तो हमें विश्वास करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए कोई? देखिए, बयानबाजी से पूरी तरीके से बचना चाहिए, और पूरे भारत देश को विश्वास है, क्योंकि अभी हाल ही में दशहरा आने वाला है, वो राम जी के को मानने के उपलक्ष्य में ही दशहरा मनाया जाता है, रावण को मारा था, और दिवाली मनाई जाती कि उनके खुशी में लोग वापस आ रहे हैं, यहाँ पे राम जी वापस आए थे अयोध्या में, इस तरीके से माना जाता है कि दिवाली कभी मनाई जाती है, उसके बाद रामनवमी की भी छुट्टी होती है, इसलिए पूरे देश को विश्वास है कि राम जी हैं और राम जी का मंदिर बनेगा, इस तरीके का जजमेंट आएगा। जी, फाइनल कमेंट सर। मैं दोबारा से अपनी बात को रिपीट करना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी के परिवेश में लोग भरोसा रखें और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पर भरोसा रखें, आस्था अपनी जगह है, आस्था है हमारा और शुरुआत से है, और किसी और का भरोसा, जो भी भरोसा है उसको सर्वोच्च न्यायालय के पर पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, और आपको सिर्फ अब कुछ महीने बच गए हैं तो कुछ महीने का इंतजार करनी चाहिए आपको, तो इंतजार जरूर करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट पर हमें विश्वास होना चाहिए और फैसला जो भी आए वो सर्वमान्य हो, यही सबकी इच्छा है और सभी को साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, भारत जो है वो श्रेष्ठ बन सकता है और बनेगा।